तो आज हम जो सीखेंगे टेबल के शॉर्टकट्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो हमारे पास ना एक टेबल यहाँ बनी हुई है, मैं आपको ना एक नई टेबल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज टेबल बनाने का हमारे पास एक दूसरा मेथड होगा। टेबल बनाने के लिए हम आज एक दूसरी तरीका यूज करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आज आप देखेंगे नीचे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। ये तो डिफॉल्ट होता है, जितने आपको चाहिए, जितने कॉलम की आवश्यकता है, जितने रो की आपको आवश्यकता है, आप सीधा क्या यहाँ से डायरेक्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं। परंतु हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो हमारा आज अगला तरीका है टेबल को इंसर्ट कराने का, यहाँ पे हमें आज तीन टेबल को इंसर्ट कराने के तीन क्या हैं, ऑटोफिट बिहेवियर हैं। ऑटोफिट मतलब स्वयं ही बनेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको टोटल कॉलम कितने चाहिए और कितनी रो आपको चाहिए। जो हमें ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम की आवश्यकता है। आप उनका नंबर है टाइप कर दें। जैसे हमको मान चलो हमें 5 कॉलम की आवश्यकता है, कितनी रो की आवश्यकता है, मुझे 5 ही रो की आवश्यकता है। अगर मैं पहले रेडियो बटन को यहां से चेक रखता हूँ, ऑटो फिट इसको मैं रखता हूँ, यहां से देखना टेबल किस तरह बन के आएगी। तो आपकी टेबल ना पूरे सीट पर इस तरह आपको बनी हुई दिखाई देगी, पहले ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। पहला जो तरीका है उससे ना आपकी टेबल जो है ऐसे बन के दिखाई देगी। है दूसरा कंट्रोल जेड से मैं बैक करता हूँ, फिर दोबारा हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इसी के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर क्या अगला ऑप्शन है, एक है ऑटो फिट टू कंटेंट विथ। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, ऑटो फिट टू कंटेंट विथ। विथ माने चौड़ाई, जितने कंटेंट की विथ होगी उसके हिसाब से टेबल अपना आप एडजस्ट हो जाएगी। कल आपने देखा हमने एक टेबल क्रिएट की, देखो आपने छोटी सी टेबल कैसे आ रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने यहाँ राइट किया सीरियल नंबर, तो ये उसके हिसाब से बनती चलेगी। उसका जो कॉलम का जो विथ है ना, उसके हिसाब से क्या है, वो हमारी विथ की चौड़ाई होती चली जाएगी। जितना आप उसमें कंटेंट राइट करेंगे, कंटेंट के हिसाब से सेल की विथ अपने आप क्या है, वहां से उसकी विथ इंक्रीज हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। जैसे हमने यहाँ राइट करा कंप्यूटर इंडेक्स, जस्ट एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं टैब प्रेस करेंगे अगले सेल पे हम आ गए, और यहां हमने नाम दे दिया कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं इसका साइज अपना आप इंक्रीज हो रहा है ना, जितना हम उसमें कंटेंट लिख रहे हैं उसके हिसाब से। आप ना इसे यहां से कम ज्यादा करने की ना आवश्यकता नहीं होगी, सीधा आप लिखिए और उसके हिसाब से जितना उसे जरूरत होगी ना, टेबल उतनी जगह अपना आप ले लेगा कंटेंट। उसके हिसाब से आपका टेबल की जो विथ है, कॉलम की जो विथ अपना आप क्या है, वो इंक्रीज हो जानी है। जैसे हमने यहाँ अगला कॉलम दिया रिमार्क्स, और यहाँ दे दिया हमने मोबाइल नंबर। तो देख रहे हो आप ऑटोमेटिक जो उसका साइज जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वैसे आप इसका साइज बढ़ाना है मैनुअली, तो आप इसको वहां से पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। तो मैनुअली फिर हम करेंगे इसे। ऑटोफिट का अभिप्राय होता है कि जितना कंटेंट को आवश्यकता है उसी के अनुसार उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जरूरत नहीं है तो उसका साइज वहीं कहीं फिक्स रहेगा। ये अगर आप टेबल को दूसरी जगह ड्रैग करना है आपको, आप देख रहे हैं एक प्लस का सिंबल आ रहा है, इस टेबल को यहाँ से ना मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे टेबल एंड ड्रैग होगी। टेबल की यदि कॉपी करनी है, आप चाहते हैं टेबल ही क्या है कॉपी हो जाए, तो प्लस के सिंबल पर क्लिक करके रखना और कीबोर्ड से ना कंट्रोल दबा के रखो और इसे नीचे ड्रैग कर दो। देख रहे इसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो जाएगी इधर ही। अब हमने क्या करा, प्लस के सिंबल पे क्लिक करा, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया और माउस की बटन के द्वारा क्या नीचे ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल दबा कर रखेंगे तो एक और टेबल इसमें जनरेट हो जाएगी हमारी इस विधि के द्वारा। और कंट्रोल जेड से इसको हम क्या है पैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें टेबल को इंसर्ट करने का अगला मेथड जो है वो क्या है। इंसर्ट टेबल एक है ऑटो फिट टू विंडो। आप इस पर क्लिक करेंगे कितने बाई कितने की, आप यहाँ उसको नंबर आप इंसर्ट कर दीजिए, 4 रो हो, 5 कॉलम हो, और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जितना विंडो का साइज है ना, जहां तक पेज है हमारा वहां तक इसका, आप देख रहे ऊपर से इंडेंट पॉइंट सेट है यहां तक, तो इसका मतलब यहां तक टेबल बन के आई है आपकी, ऑटोमेटिक बन गई नहीं बन गई। तो
ये तीन मेथड है टेबल को इंसर्ट कराने के ऑटोफिल। और जो इसके दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कौन कौन से, जो इसका पहला वाला मेथड है, पहला मतलब ये वाला और ये, बस ये थोड़ा डिफरेंट काम करता है, ये दोनों सेम चलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने इस टेबल पे, इसके कुछ ऑप्शन मैं आपको सिखाता हूँ। मान के चलिए पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो मेथड हमारे पास है टेबल के लिए, वो है कि टेबल के अंत में एंटर करने से नई रो इंसर्ट हो जाती है। मान के चलिए आपको दीपक कुमार झा राइट है जिस रो के अंदर, उसके नीचे आपको एक रो खाली चाहिए, ठीक है, हमें एक रो खाली चाहिए, तो इसके लास्ट में बाहर कर्जर क्लिक कर दो। जब इस तरह बिलिंग करने लगे ना बाहर, टेबल के बाहर जब बिलिंग करे कर्जर, आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना, ऑटोमेटिकली इसमें ना न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। टैब से नहीं होगी, टैब से क्या होता है, टैब जो करता है ना, टैब तो लास्ट में आएगा ना, जब तक लास्ट में नहीं पहुंच जाएगा और लास्ट में अंतिम सेल पर आ जाएगा, तो उसी प्रकार का लास्ट में ये तो नीचे इंसर्ट करेगा डाउन में। और जब हम बीच में आवश्यकता है किसी रो की, बीच में जब भी हमें कभी रो लेने की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे मान लो हमें प्रशांत के नीचे एक ब्लैंक रो चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे और इस पर हम एंटर की प्रेस कर देंगे, तो एक ब्लैंक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ब्लैंक रो हटानी है हमें, हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ होता है डिलीट सेल। डिलीट सेल के अंदर आपको चार रेडियो बटन दिखाई देंगे यहाँ पे, जिसमें से डिलीट एंटायर रो को नहीं कॉलम को हटा देंगे, डिलीट एंटायर कॉलम सॉरी रो को हटा देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ही इंसर्ट का ऑप्शन दे रखा है। अब ये कह रहा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, या फिर आपको रो चाहिए अबव में, मैं अबव में इसके ऊपर रो चाहिए एक ब्लैंक, देखो रो इंसर्ट ऐड होगी। अब मान चलिए आपको इसे एक कॉलम चाहिए, आपको बीच में कॉलम की आवश्यकता होगी, तो कॉलम इंसर्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे जैसे इसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए या राइट में चाहिए हमें, तो उस कॉलम पे क्लिक कीजिए, उसके ऊपर राइट बटन प्रेस कीजिए माउस की, इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, तो देखना एक लेफ्ट कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए किसी सेल पर, इस कॉलम में किसी सेल पर क्लिक कर दो, राइट क्लिक करेंगे डिलीट और डिलीट कॉलम, क्योंकि जिस जहाँ मेरा कर्सर क्लिक है वो क्या सेल है, कंप्लीट टेबल है, ये इसमें रो होती है ऐसे, ये रो है और ये क्या है, ये कॉलम्स है। तो पहला तरीका समझ में आया कि किस तरीके से जरूरत पड़ने पर अगर हम गलती से भूल गए हैं या नई रो हमें ऐड करने की आवश्यकता अपने टेबल के अंदर, वो हम कैसे ऐड करें और कैसे हम कॉलम ऐड करें, कॉलम को डिलीट करें, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। टैब की का प्रयोग करके इसमें एक नीचे जो डेटा हमारा नीचे आगे मैं एंटर करता हूँ, मैं एक बार कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूँ, इसके सामने क्लिक कीजिए, नीचे टेबल को लाना है मुझे। तो हमने हमारे पास जो पहला जो तरीका था यहाँ पे वो ये था कि किस तरीके से हम टेबल पूरी खराब हो गई है, एक बार कंट्रोल जेड से बैक करते हैं, कंसेप्ट सारे हट गए हमारे टेबल बनाने से, अगर मैं कंट्रोल जेड से बैक ले आया तो समझ में आया कैसे आप मतलब लास्ट में एंटर कर दीजिए, जो ब्लैंक रो है वो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। अगला है टैब की का प्रयोग अगले सेल में जाने के लिए किया जाता है और नई रो इंसर्ट कराने के लिए भी किया जाता है। एक तो एक अगर मेरा कर्सर यहाँ है, टैब प्रेस कर रहे हैं तो अगले सेल पे मूव कर पा रहे हैं आसानी से, देख रहे हो, और जैसे ही अंत में पहुंचेगा ना, लास्ट रो के अंतिम सेल पर ही पहुंचेगा, तो नई रो ब्लैंक इंसर्ट कर देगा। अब टैब प्रेस करके रखिए तो ये लगातार क्या है, आपकी रो आधी चली जाएगी ब्लैंक इसमें, और कंट्रोल जेड से इसे बैक कर दीजिए। अगला है शिफ्ट टैब का प्रयोग पिछले सेल वापस करने के लिए किया जाता है। अब मान लो आपको पिछले सेल पर जाना है, एक तरीका देखिए आप माउस से क्लिक कर सकते हो जिस सेल पर जाना है आपको, एक ये कि शिफ्ट टैब दबाते रहिए वो बैक जाता रहेगा सेल आपका कीबोर्ड से ही, ये देखिए बैक जा रहा है ना ये इस तरीके से। अगला है एंटर की प्रेस करने पर रो की हाइट बढ़ जाती है। जैसे कई बार क्या होता है हमें रो की, जैसे मान लो इसकी हाइट हमें बढ़ानी है, ऊपर हेडिंग जो है उसकी हाइट में बढ़ाने, तो एंटर कर दीजिए, हाइट इसकी इंक्रीज हो चुकी है, तो इस तरीके से आप इसकी हाइट, गलती से हाइट बढ़ जाए, हटानी है तो बैक से प्रेस कर दीजिए, वापस वो
हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, जो अनवांटेड जो स्पेस ऐड हो गया है एंटर करने से, जो हाइट उसकी इंक्रीज होगी हट जाएगी, एंटर करने से बढ़ेगी और बैकस्पेस करने से हाइट हट जाएगी। कैलकुलेशन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं फील्ड को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ध्यान से देखना, यहां क्लिक कीजिए, ठीक है, करना कुछ नहीं, कीबोर्ड से कंट्रोल F9 करो, दो इंसर्ट ब्रैकेट होगी, दो फील्ड हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले इक्वल लिखना है हमें, सबसे पहले इक्वल लिखना है, इक्वल यहाँ पे इंसर्ट कराना है, इक्वल साइन, इनका सम निकालना है हमें, 60 70 50 60 60 40। तो आप यहाँ पे मैनुअली राइट करेंगे कीबोर्ड से ही, प्लस सिंबल ऐड करेंगे कीबोर्ड से ही। अगला क्या मार्क्स है, 80, फिर प्लस करेंगे, क्या करना है प्लस, सॉरी 50 है वो, 80 नहीं है, 50 है, 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40। और इस फील्ड को ऑपरेट करने के लिए, इस फील्ड को दोबारा ऑपरेट करना है तो उसके लिए 6 नंबर का जो पॉइंट है, फंक्शन की F9 का प्रयोग फील्ड को ऑपरेट करने के लिए किया था। ऑपरेट का मतलब इसका रिजल्ट लाएंगे, सम निकालना था हमें, तो सम देखने से कैसे आ जाएगा, इस पर क्लिक करो और कीबोर्ड से दोबारा F9 करना है। अब कंट्रोल F9, अब F9 दबा दीजिए सिर्फ, ओनली 280 मार्क्स आ गए। दोबारा देखो नीचे क्या करा हमने, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करा, फील्ड आ गई, सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे, जो जो मार्क्स है मैनुअली उनको नंबर पैड से टाइप कर लेंगे, प्लस करा हमने खुद ही, फिर प्लस सिंबल ऐड करा, फिर प्लस, फिर क्या है 90, और क्या करेंगे कीबोर्ड से F9 द्वारा प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर किसी कंप्यूटर में ना दिखाई दे तो उसके बाद शिफ्ट F9 करना है प्रेस पर, कई बार एरर दिखा देगा आपको, तो शिफ्ट F9 प्रेस कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिसका नहीं आ रहा नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, F9 की ही फंक्शन की आप प्रेस कर देंगे। अब इसका हम प्रशांत का निकालना है सम, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F9 इक्वल 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 90। अब दूसरा ट्रिक सीखिए, F9 यदि आपका कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा है तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ आ रहा है अपडेट फील्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सम निकल के आ जाएगा। दोबारा देखते हैं, कंट्रोल F9 इक्वल क्या क्या मार्क्स है, 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 80, और क्या करेंगे इसे राइट क्लिक कर देंगे तो इसका हमारा सम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अपडेट फील्ड पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से ना, आपको टेबल में सम निकालने की आवश्यकता हो तो आपका दो विधियां रहेंगी, कंट्रोल F9 से क्या करेंगे आप, सबसे पहले फील्ड इंसर्ट कराएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, जो जो आपको सम जोड़ना है नंबर का नंबर राइट करेंगे, फिर प्लस साइन इंसर्ट करेंगे, फिर अगला नंबर इंसर्ट करेंगे, तो हमारा सम निकल के इस तरीके से आ जाएगा। यह यहां तक क्लियर हुआ सबको। अगला है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एंड डाउन एरो की का प्रयोग रो को मूव करने के लिए किया जाता है ऊपर और नीचे। कई बार होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये डेटा है हमारे पास, दीपक का रिकॉर्ड पहले नंबर पे नहीं आना चाहिए था, ये रिकॉर्ड सबसे लास्ट में आना था। या तो इसको मैं डिलीट करूं पूरा, तब पॉसिबल है, मैं डिलीट भी नहीं करूंगा, कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ऊपर जाना है तो अप एरो, मैं डाउन नीचे आना है तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, अब देखना ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ये अपना मूव हो जाएगा बगैर कट कॉपी करेगा, देखो आगे दीपक कुमार नीचे, वापिस ले जाना है ऑल्ट शिफ्ट अप एरो कर दीजिए, ये आप पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई लाइन उसमें चल जाएगा, आपकी टेबल उसमें भी चलता है। अब देखिए ऑल्ट शिफ्ट अप एरो से ऊपर आ गया, ऊपर 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 सबसे ऊपर चले गए, नीचे आना तो नीचे ले आइए, देखिए नीचे आना और अलग कर, ये देखिए गलत हो गया है। तो इस तरीके से ना हम इस रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं विदाउट एनी कट कॉपी कर, बगैर पोजीशन को हम क्या है उनको रिप्लेस कर देंगे ऑल शिफ्ट अप एरो की से यूज करके, ये इस तरीके से काम कर रहा है। प्रशांत को सबसे लास्ट में लाना, सबसे ऊपर ले जाना, तो क्या करेंगे ऑल शिफ्ट अप एरो की, एक्सचेंज हो गया, वो नीचे आ गया ऊपर चला गया। अब आगे देखिए ऑल्ट AM सेलो को मर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई बात नहीं, हमारा ये प्रोजेक्टर बंद हो गया है,
मैं स्क्रीन आपको ना वहां दे रहा हूँ सामने, ठीक है, आप वहां से देखना। सामने है तो इसमें देखना हम क्या करेंगे, अब हमें ना सेलों को क्या आपस में मर्ज करना है, जोड़ना है सेलों को। सेलों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, स्क्रीन नहीं है ये भी, हमें सेलों को आपस में क्या करना, मर्ज करना, मर्ज माने जोड़ना, इकट्ठा एक ग्रुप बनाना। तो इनको ना सिलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है, इनको जोड़ना है और कीबोर्ड से देखना, मैं ऑल्ट ए एम प्रेस करूंगा, पहले ऑल्ट दबाऊंगा फिर ए दबाऊंगा फिर एम, अलग अलग दबाऊंगा, अलग अलग प्रेस करनी है, ऑल्ट फिर ए और एम, मर्ज हो गया नहीं हो गया, बन गया एक खाना, एक सेल बन गया नहीं बन गया, जो हमने कल क्या करा था यहाँ पे डिजाइन पे आके हमने इरेजर कर करके मर्ज किया था। इसका शॉर्टकट से ऑल्ट ए एम प्रेस कर दो, आपका एरिया जो है मर्ज हो जाएगा। सेल को दो भागों में बांटने के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल हमारे पास यहाँ है, जिसी सेल का आपको पार्ट्स में उसका अलग सेल में बांटना है, सेल को आप यहाँ पे क्लिक करके सेल को आप अलग अलग उसके पार्ट कर सकते हो, जितने आपको कॉलम की आवश्यकता है, पेंसिल वहां पर चलेगी आपकी ये, तो पेंसिल क्या है एक नई लाइन इंसर्ट करेगी आपकी, ठीक है। जैसे आपकी ये टेबल, इसमें आपको दो पार्ट बनाने, तो दो देखे दो सेल बन गया आपके यहाँ से, तो पेंसिल क्या करती है लाइन को ड्रॉ करने का वर्क हमारा करती है। इन लाइनों को जोड़ना है वापस, आप इन्हें जोड़ ही सकते हो, देखो इस पर क्लिक करते हुए चले जाइए, ये लाइनें जुड़ती हुई चली जाएंगी, ये आगे पीछे होगी है, मैं यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड से बैक, मतलब ये इस पर क्लिक कीजिए, इसको यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, लाइन आगे पीछे हो जाए, जैसे ये होगी है, तो आप पेंसिल से क्या है जोड़ सकते हो। हटाना है तो आप इरेजर यूज करेंगे, और जो लाइन आपको हटानी है उसको आप यहाँ से क्या है इरेज आसानी से कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो, टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो। तो देखिए इसको हम कैसे अलग अलग पार्टों में टेबल को हम डिवाइड करते हैं। ये आपकी एक टेबल है, ठीक, ये आपकी एक टेबल है और इस टेबल को आपको स्प्लिट करना है। तो मैं देखना एक को छोड़ के, एक रो को छोड़ के सेकेंड रो पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल एंटर कर देना, तो ये तो ऑटो फिट थी, इसलिए क्या हो थोड़ा साइज इसका कम आ गया है। तो इसको एक बार मैं कंट्रोल जेड से बैक करके ना इस टेबल को मैं इसको एक बार मैं सेलेक्ट करके यहां से दोबारा से इसको मैं इसका डिजाइन चेंज कर देता हूं, कंट्रोल जेड से बैक, आप देख रहे ये टेबल है हमारे पास, नई टेबल बना देता हूं मैं, एक न्यू टेबल बनाते हैं हम, इरेजर से इनको डिलीट कर दीजिए, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब क्या करना है हमें, एस्केप से पहले इरेजर को हटाएंगे, इधर क्लिक करेंगे, हमें एक बार ना दोबारा इंसर्ट पे जाना है और यहां पे आके ना इसका डिजाइन हम चेंज कर देंगे। यहां आके मैंने एक दूसरी सॉरी इस टेबल को यहां से ना हम क्या करते हैं इसको डिलीट ही कर देता हूं। अब एक नीचे एक टेबल लेता हूँ न्यू, इधर आएंगे इंसर्ट पे, यहाँ आ गए और मैं ले रहा हूँ इस बार कॉलम विथ के हिसाब से, तो ये टेबल आ गई हमारे सामने। अब मान लो इसके पार्टीशन करने हैं आपको, अलग अलग ये उसमें बांटना है आपको रो में, तो देखिए कैसे इसको हम अलग करेंगे। तो ऊपर की टेबल आपको करके दिखाता हूँ, मेरे ऊपर टेबल है इसको ही, ये इसमें से अलग करनी है रो, बिल्कुल अलग निकालनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, सॉरी ऊपर वो उसमें प्रॉब्लम है टेबल में, एक टेबल और नीचे बना देता हूं मैं क्या करता हूं इंसर्ट आया, ये एक टेबल यहां पे हम क्या है नेम राइट कर देते हैं, इधर यहां पे एड्रेस, यहां पे मोबाइल नंबर, यहां पे ले लेते हैं हम मोबाइल नंबर और यहां पे क्लास, टैब दबाएंगे, टैब 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 टैब, देखो टेबल बन गई हमारे सामने। अब इसको अलग अलग रो में बांटना है, आप ना एक छोड़ के एक पे क्लिक कर कंट्रोल एंटर कर देना, देखो अलग पार्टीशन हो गया, एक छोड़ के एक क्लिक करा कंट्रोल एंटर अलग पार्टीशन बन गया, एक छोड़ के एक क्लिक करा कंट्रोल एंटर अलग पार्टीशन आ गया, एक छोड़ के एक क्लिक करा कंट्रोल एंटर अलग पार्टीशन आ गया, एक छोड़ के एक क्लिक करा पार्टीशन आ गया, तो पूरी टेबल
अलग अलग रूम बटकी नहीं बटकी, इसको सिप्लिट बोलते हैं। और जोड़ना पड़ जाए वापस फिर कैसे करेंगे, वापस जोड़ना पड़ जाए फिर कैसे करोगे, जहाँ पे खाली जगह है ना वहाँ पे बैक स्पेस, बैक स्पेस की जगह आप डिलीट बटन यूज करें, वहाँ ये अपना जुड़ती चली जाएगी। या खाली जगह में क्या करेंगे, डिलीट बटन यूज करो तो ये टेबल ना वापस अपनी जगह जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स का प्रयोग करके ना टेबल के ऊपर आप आसानी से ना काम कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको 10 इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में सिखाया है कि आप इन्हें किस किस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्लास वैसे समझ में आ गई होगी, आज की सिंपल क्लास थी,